ममता बनर्जी वर्सेस अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, एक पूरी की पूरी टीम लगी हुई है जो ये सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि वहां अब भगवा झंडा फहराए और भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हो। क्या ये इस बार हो जाने वाला है या ये सपना रहने वाला है? फिलहाल फरवरी से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कैसे वो समझाने की कोशिश करते हैं आपको। सूत्र बता रहे हैं कि फरवरी से हर महीने लगभग एक हफ्ते बंगाल में रह सकते हैं अमित शाह। अभी तक हर महीने जाने का उनका प्लान रहा है, लेकिन एक दो दिन में वो वापस आते रहे। अब हर महीने जाएंगे और हफ्ता भर वहां रुका करेंगे फरवरी से। और अमित शाह ने राज्य के नेताओं के साथ बैठक में ये जानकारी दी। अभी सूत्रों के हवाले से हम तक ये खबर आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि बैठक में आम हो चुका है। बंगाल में अमित शाह के अगले दौरे की दो तारीखें सामने आ रही हैं और उनमें से एक तारीख है 12 जनवरी और दूसरी है 23 जनवरी की दो तारीखें। शाह के कार्यालय से ये दो तारीखें आ रही हैं और राज्य में अमित शाह की मौजूदगी को पार्टी कैडर को मजबूत करने की दिशा में उनकी विजिट्स को देखती है। और यह समझा जाता है कि अमित शाह जितने बार वहां पहुंचेंगे, जितने दिन बिताएंगे, उतनी ही पार्टी को वहां मजबूती मिलेगी। क्या यह बात वाकई है? ऐसा लगता तो है, क्योंकि अभी आप देखिए जहां जहां गए अमित शाह, ममता बनर्जी ये प्लान कर रही है कि वहीं पर जाकर वो कमान संभालेंगी। मतलब ये कि उन्हें ये लग रहा है कि कोई डैमेज हुआ है जिसे कंट्रोल करने के लिए उन्हें पहुंचना चाहिए। क्या अमित शाह के बार बार वहां के जो दौरे हैं वो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाएंगे? और तृणमूल कांग्रेस क्या इसको उसी तरीके से देखती है या उसे लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता? जरा ये भी समझ लें। क्या आपको लगता है विजय साहब मुश्किलें होंगी इससे या ये चुनावी रूटीन होता रहेगा? नहीं, तो चुनावी रूटीन है, आए रहे स्वागत है। ठीक है, आए रहे स्वागत है। आप किस तरीके से स्वागत करते हैं, कई बार कार्यकर्ता हमने देखा नड्डा साहब के मामले में। लेकिन अर्जुन सिंह जी आपसे ये सवाल, क्या ये आपने, क्योंकि दोनों पार्टियां देख ली हैं, तृणमूल कांग्रेस में रहकर इनसाइड आउट देख लिया है, भारतीय जनता पार्टी में आप हैं, क्या वाकई बहुत बड़ा डिफरेंस है? और यहां पर क्या उस आइडियोलॉजी की वजह से इस समय लोग आ रहे हैं या मौकों की वजह से आ रहे हैं? देखिए, फवाद हालिम साहब ने सीपीएम के आइडियोलॉजी की बात कही, किसानों की बात कही, और इनके कितने लोग टीएमसी में ज्वाइन किया, टीएमसी से बीजेपी में आए। देखिए, आइडियोलॉजी सीपीएम का और आइडियोलॉजी तृणमूल का कुछ भी नहीं है। सत्ता हासिल करने के लिए इनको कुछ भी करना है। और सबसे बड़ा बात है कि बंगाल में ममता बनर्जी इतना ही काम करती हैं, ममता बनर्जी इतना ही सक्सेसफुल लोगों के पास हैं और उनको लोग मानते हैं, सभी एथी पर चुनाव लड़ती है। तो 42 में भी उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव में कि मैं सब सीट पर मैं ही लड़ रहा हूँ, तो 18 सीट पर हार गई। हमारे विजय उपाध्याय जी बड़ा अच्छा बात कहे कि उस तरफ रहे, पैसा लिए, सौगत राय का नाम भूल गए, उम्र हो गया है उनका, बड़े भाई हैं हमारे। लेकिन बंगाल में जो परिस्थिति, ममता बनर्जी अगर हमारे अमित शाह जी आगे चल रहे हैं तो ममता बनर्जी यही तो कह रहे हैं अपना डैमेज कंट्रोल, स्वागत राय अब इसलिए निशाने पर हैं क्योंकि वो गए नहीं, डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकती है इनका। नहीं, स्वागत राय को तो, स्वागत राय का बात छोड़ दिए, जहां से जीते हैं लोकसभा में 7 विधानसभा है, इस बार 7ों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरे बगल क्षेत्र है तो मैं यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।